अभी तक मैंने दो तीन बार चेक किया कि ग्रेड आए या नहीं। मेरा रिजल्ट तो आ गया है, मैंने देख भी लिया मेरा रिजल्ट। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अभी मैं जा रही हूँ अरोरा फार्म, यानी कि यहाँ पर एक मॉल है, वहाँ पर ऐसे घूमने जा रही हूँ। बहुत दिनों से घर में ही हूँ तो थोड़ा मैंने सोचा कि आज घूम के आ जाऊँ। और आज मेरा रिजल्ट भी है, तो मेरा मास्टर्स का फाइनल सेमेस्टर का, लास्ट सेमेस्टर का आज रिजल्ट है। तो देखते हैं आज ग्रेड भी कितने आते हैं। थोड़ा सा डर लग रहा है, और अभी पहली बार ऐसे रिजल्ट का व्लॉग भी शूट करूँगी, तो आप भी मेरे साथ मेरे ग्रेड देखना। थोड़ा इतना बोलने में भी डर लग रहा है, पर ठीक है, अभी जो है वो आ ही जाएंगी ग्रेड। आज सुबह स्नोफॉल हुआ था तो बाहर ऐसा थोड़ा स्नो है, तो एक बार बाहर का व्यू देखते हैं और फिर चलते हैं। बाहर आज ठंडा है तो मैंने ये बीनी पहन ली है। तो अभी मैं लिफ्ट में थी तो मुझे किसी ने पहचाना। वो एक दूसरे लड़के को बोल रहा था कि यूट्यूब करती है, तो वो बोल रहा था कि मैं बात करूँ क्या, और उसको बहुत डर लग रहा था मुझसे बात करने में, और मुझे भी बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था कि मैं क्या बात करूँ। मतलब मुझे पता था उनको बात करनी है, पर मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। अभी तक मैंने दो तीन बार चेक किया कि ग्रेड आए या नहीं आए, पर ग्रेड अभी तक आए नहीं है। तो अभी पता तो नहीं है आज आ जाएंगे या नहीं, लग तो नहीं रहा है क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। आ गए हैं हम अरोरा फार्म्स में, और देखिए यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ पर ये देखिए ये बोर्ड है, पर ये बर्फ से पूरा ढक गया है तो क्लियर दिख भी नहीं रहा है। तो आ गई हूँ अरोरा फार्म। यहाँ मतलब मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ से 45 मिनट्स लगे होंगे कार से, और अभी देखते हैं यहाँ पर क्या है। पहली बार आ रही हूँ मैं, मतलब पहली बार इस एरिया में आई हूँ, और ये जो एरिया है सिटी से थोड़ा बाहर है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल भी हुआ है। अभी यहाँ जा रहे हैं, पर बदक होते हैं पर अभी नहीं है, और देखिए बहुत ज़्यादा स्नो हुआ है तो रास्ता भी साफ नहीं किया है। और मैंने आज स्नो बूट ही नहीं पहने, नॉर्मल वाले शूज़ पहन लिए, और सॉक्स भी जो है एकदम छोटे वाले पहन लिए, तो इतना पैरों पे ठंड लग रहा है, ऐसे लग रहा है फिर से घर चली जाओ। पर फ्री में बदक का खाना मिलता है, और यहाँ पर बदक होते हैं तो हम उनको खाना खिला सकते हैं। अभी ये नॉर्थ फेस के स्टोर में आई हूँ, जैकेट्स वगैरह देख रही हूँ। स्टोर में तो मैं आने ही नहीं वाली थी, पर मेरे पैर इतने ठंडे हो गए तो ये स्टोर दिखा तो मैं यहाँ पर अंदर आ गई। बाहर बहुत ठंड है, ऐसा लग रहा है कि आज क्यों नहीं पहने मैंने सॉक्स। अभी ये जगह भी बहुत अच्छी है तो मुझे ये जगह भी देखनी थी, पर अभी मेरे पास शूज़ नहीं है तो मैं ज़्यादा तो एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगी। ये अभी आई हूँ मैं कोलम्बिया के स्टोर में। ये ग्लव्स है मेरे पास, देखिए ये वाले। अली मैं अपना जैकेट ढूंढ रही थी, वो मुझे मिल ही गया, और ये रहा वो जैकेट जो कि अभी मैंने भी पहना, यही वाला है, और अब इसकी प्राइस हो गई है $89। तो ये मतलब सस्ता है यहाँ के हिसाब से। ये देखिए ऐसा होता है ओमनी हीट। स्टोर में गई थी तो काफ़ी अच्छे अच्छे लड़कियों के क्यूट क्यूट चीज़ें थी, बस ऐसे ही स्टोर में घूम रही हूँ। इस बर्फ को मैं ख़राब करूँगी। सिंपल सी रिंग मुझे बहुत ही अच्छी लगी, इसकी प्राइस कितनी है $9। अभी गैप के स्टोर में आई हूँ। ये जैकेट मुझे अच्छा लगा जो कि $75 का है, तो यहाँ पर मुझे ये दिख ही गए फाइनली। और आधा पानी जो है फ्रीज हुआ है, आधा पानी ठीक ठाक है। देखिए पूरा बर्फ है और मेरे पैर ही जम रहे हैं। मेरा रिजल्ट तो आ गया है, मैंने देख भी लिया मेरा रिजल्ट, और आपको मेरे स्माइल से ही पता चल गया होगा मुझे इस बार के सेमेस्टर में हर सब्जेक्ट में ए मिला है। और मैंने इतना एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, पढ़ाई तो की थी पर मुझे लगा नहीं कि सारे सब्जेक्ट में ए ही मिल जाएगा। मैं तो बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ, और फाइनली आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब आज फाइनली ऑफिशियली ये पढ़ाई का टेंशन ख़त्म, मास्टर स्टूडेंट हो गई हूँ मैं। तो एक ऐसे ये
ये बात मुझे पहले इम्पॉसिबल लगती थी, पर मैंने अच्छे ग्रेड से, जो कि प्रोफेसर इतने डेंजर है वो, मतलब उनके वजह से ही CSU में लोग यहाँ से ट्रांसफर आउट ले लेते हैं, पर उस सब्जेक्ट में भी मुझे अच्छे ग्रेड मिल गए। मैंने तो सोचा भी नहीं था इतने अच्छे ग्रेड मिलेंगे। तो अभी अभी हाँ, और अभी मम्मी पापा को बताना है मुझे, पर मम्मी पापा सो गए होंगे, तो अभी उनका भी उठने का वेट करती हूँ, फिर उनको भी बताऊंगी। तो अच्छा हुआ, चलो अभी क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत खुश हूँ। अभी मैं खुद को एक ट्रीट देती हूँ, कुछ तो भी खाती हूँ बाहर का, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। आज मास्टर्स कंप्लीट हुआ, इसकी खुशी में मैं खुद को ट्रीट दे रही हूँ। अभी ये बीबी वॉक करके एशियन ग्रिल यानी कि कोरियन टाइप रेस्टोरेंट है, यहाँ पर कोरियन चीज़ें खाने को मिलते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा, मैं आज खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अभी खुशी होती है ना तो कभी कभी कुछ समझता ही नहीं है, तो अभी मेरे साथ वैसा हो गया है कि मुझे समझ ही नहीं रहा है। और मास्टर्स होना तो अच्छी बात है, क्या बोलूँ मैं। तो चलो अभी चलते हैं बीबी वॉक भी। तो ये आ गया है मेरा बोल, ये है किमची जो कि मैंने एक्स्ट्रा ली, मुझे बहुत पसंद है। तो हो गया है खाके पूरा खाना, पूरा खाके हुआ ही नहीं तो अभी आधा घर लेके जा रही हूँ। मुझसे ज्यादा मैं ज्यादा खा ही नहीं पाती हूँ। आ गई हूँ मैं घर, बस अभी फ्रेश होती हूँ और फिर बाद में घर वालों को फोन करके बताऊंगी। तो मैंने कुछ कुछ स्टूडेंट को हेल्प की थी, जिन सब्जेक्ट में मैं पास हुई हूँ उन सब्जेक्ट में उनको थोड़ा बहुत गाइडेंस दिया था कि कैसे पास होना है, कैसे अच्छे ग्रेड लाने हैं। तो वो सारे लोग भी अच्छे ग्रेड से पास हुए, उनको भी सब में ए आ गया, तो ये भी जान के मैं खुश हूँ। तो मैं मतलब अच्छा ऐसा सोचती हूँ कि सबका अच्छा हो जाए। हुआ है तो आपको स्नो भी दिख, मतलब स्नोफॉल भी दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, स्नो दिख रहा होगा आपको। और मैंने कुछ जो जूनियर, तो कोई तो आ गई हूँ अभी मैं घर और अभी फ्रेश।